हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल अनुजिंदल डॉट इन माई नेम इज चेतन एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सेबी ग्रेड ए एग्जाम और आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी इन विच आई कम्पेयर सेबी ग्रेड ए एग्जाम विद नबार्ड ग्रेड एग्जाम तो उसका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला एंड आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स की मैं एक आर और सेबी का कंपेरिजन करते हुए भी वीडियो बनाऊं बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग इन दोनों एग्जामिनेशन की साथ में तैयारी कर सकते हो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं यस सो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर दैट वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल दीस थ्री इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन दैट इज आरबीएस लाइव क्लासेस चल रही है दिस इज द इंटायर स्कड्यूल टाइमिंग्स एंड द डेज ऑन विच द क्लासेस आर बींग हेल्ड न गो टू द वेबसाइट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड इज आर एप्लीकेशन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन फॉर अलॉट ऑफ एग्जामिनेशन लाइक आर बी आई सेबी नबार्ड यू पी एस सी ओके यूजीसी नेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं uh, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे सिलेबस ऑफ आर बी आई इन से फेज वन एंड फेज टू ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से आप दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी साथ में कर सकते हो बिकॉज काफी कुछ ओवरलैप भी होता है इसके सिलेबस में चलिए विल विल स्टार्ट विद विद फेज फेज ऑफ ऑफ ग्रेड ग्रेड ए एंड देन आई कंपेयर इट बी ठीक है देखो पेपर वन की बात करेंगे तो ट्वेंटी ईच फ्रॉम जनरल अवेयरनेस सेक्शन देखो जीए से बीस क्वेश्चन आते हैं बीस क्वेश्चन आते हैं आपके क्वांट रीजनिंग इंग्लिश इन टोटल एटी क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रॉम ईच सेक्शन ऑफ हंड्रेड मार्क्स और आपको मिलते हैं मिनट्स तो ये है आपका जनरल एप्टीट्यूड पेपर जो कि आरबीआई में भी मिलेगा आपको आरबीआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे दैट इज डिफरेंट और पेपर टू भी होता है सेबी में जो आरबीआई में नहीं होता इन फेज वन और उसमें आपका आता है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस कॉस्टिंग कम्युनिजेक्ट इकोनॉमिक्स ये छह सब्जेक्ट्स आते हैं देखो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है एस सच कट ऑफ नहीं आती आरबीआई में कट ऑफ आती है बट ये क्वालिफाई करना होता है इसीलिए सेबी का फेज क्लियर करना आसान है आरबीआई का फेज क्लियर करना इतना आसान नहीं है ये एक डिफरेंस है ओके okay? और यहां पे भी हंड्रेड मार्क्स का है और यहाँ फोर्टी मिनट्स मिलते हैं तो सिक्सटी मिनट्स फोर्टी मिनट्स तो यहाँ पे गैप रहता है थोड़ा सा ओके गैप इन द सेंस गैप वैसे नहीं रहता मतलब कि पहले आपका पेपर वन होगा फिर आपका पेपर टू होगा और उसमें

तो so, 80 क्वेश्चंस 30, 30, 60, 200 क्वेश्चंस टोटल और 200 मार्क्स ही है इसमें जो कि क्लियर करनी पड़ती है वो सेक्शनल कट ऑफ सेबी में नहीं है सेबी में ना सेक्शनल कट ऑफ है ना सेक्शनल टाइमिंग है यहां पर है लेकिन अब मैं अगर बात करूं फेज टू की आपको पता लग गई

इन टोटल हंड्रेड मार्क्स बन जाएगा फोर्टी थर्टी थर्टी इस तरीके से डिविजन रहता है इसका ठीक है और सिक्सटी uh, मिनट्स आपको यहाँ पे इसके लिए दिए जाते हैं ओके अगर बात करें पेपर टू की तो फिफ्टी एमसीक्यूज अगेन देखो सेबी में जो पेपर टू है चाहे वो फेज वन का पेपर टू हो चाहे फेज टू का पेपर टू हो सेम है सिलेबस बिल्कुल सेम है पचास एमसी क्यूज पचास एमसीक्यूज ही आते हैं बस फेज टू में थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है ये डिफरेंस आप कह सकते हो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस कॉस्टिंग कंपनीज एक्ट इकोनॉमिक्स वही आपके छह सब्जेक्ट्स हैं ठीक है और आरबीआई में आपको दो सब्जेक्ट थोड़े से यहाँ पे सिमिलर मिलेंगे अभी डिस्कस करेंगे आरबीआई को भी मैनेजमेंट और फाइनेंस आरबीआई में भी रहता है बाकी सब्जेक्ट्स नहीं है बाकी अलग है उसमें लेकिन मैनेजमेंट और फाइनेंस आरबीआई में भी रहेगा आरबीआई में इकोनॉमिक्स भी रहता है लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा

तो दोनों की प्रिपरेशन एक साथ हो सकती है बिल्कुल सेम है यहां पे भी एक रीडिंग कॉम्प्रीशन एक प्रेसी और एक एस वही आएगा ठीक है हंड्रेड मार्क्स लेकिन यहाँ पे नाइनटी मिनट्स मिल रहे हैं सेबी में आपको सिक्सटी मिनट्स मिल रहे थे यहाँ पे नाइनटी मिनट्स मिल रहे हैं तो ये डिफरेंस हो गया बाकी अगर ई की बात करें ई मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज दो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स भी है और सोशल इशूज का सब्जेक्ट भी है ठीक है तो यहां पे क्या होता है अगर आरबीआई की बात करें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी है

और फिर अगर बात करें एमसीक्यू की तो एक नंबर और दो नंबर दोनों टाइप के एमसीक्यूज आते हैं और तीस क्वेश्चन होते हैं पचास मार्क्स के ठीक है और अगर मैं बात करूं और एक इनका पेपर थ्री भी होता है फाइनेंस और मैनेजमेंट ठीक है उसमें भी वही है फिफ्टी परसेंट डिस्क्रिप्टिव फिफ्टी परसेंट एमसीक्यू तीस क्वेश्चन एमसीक्यू के रहेंगे फिफ्टी मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव के वही आपके दो क्वेश्चन पंद्रह नंबर के और दो क्वेश्चन आपको करने हैं दस नंबर के फिफ्टी मार्क्स और टाइमिंग क्या है एमसीक्यू पेपर के लिए थर्टी मिनट डिस्क्रिप्टिव के लिए नाइनटी 90, थर्टी 90, ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो दो पेपर होते हैं फिर एक गैप मिलता है लंच ब्रेक मिलता है फिर तीसरा पेपर होता है इस तरीके से रहता है तो वन ट्वेंटी मिनट फॉर पेपर वन मतलब दो घंटे फॉर पेपर वन वन एंड हाफ आवर फॉर पेपर टू एंड अगेन टू आवर फॉर पेपर थ्री तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है मतलब प्रोसीजर मतलब टाइमिंग काफी ज्यादा है जबकि सेबी में सिक्सटी मिनट्स फोर्टी मिनट्स सौ uh, मिनट में सारा काम खत्म ठीक है तो ये डिफरेंस हो गया अब स्पेसिफिकली बात करूंगा मैं कि सिलेबस में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है देखो आज की वीडियो में मैं एज सच स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं तो स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आपको जानना है कि थोड़ा सा इनडेप्थ तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो इफ यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ वीडियो या जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो चलिए पहले इंटरव्यू की बात करते हैं इंटरव्यू के बाद में आपसे बात करूंगा सिलेबस में क्या सिमिलरिटीज क्या डिफरेंस है डिटेल में अब इंटरव्यू की बात करूं अगर मैं यहाँ पे तो सेबी की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे 85 के अगर आपके सौ नंबर आए फॉर एग्जाम्पल तो एटी फाइव से मार्क्स काउंट तो नहीं होंगे ना ही सेबी में काउंट होंगे, ना ही में होंगे. 85 15 तो इस तरीके से समझ लो पंद्रह नंबर आपको मिलेंगे इंटरव्यू में से और जनरली मैंने ऑब्जर्व किया था अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था कि 10-12 नंबर भी लोगों को मिले हैं तो यू कैन एम फॉर 10 टू 12 मार्क्स 10 से 12 का एम कर सकते हो बहुत अच्छा स्कोर है क्योंकि फुल तो मिलता ही नहीं है जनरली 10-12 नंबर भी आ गए तो आई थिंक बहुत अच्छा थिंकोर फेज टू पंद्रह नंबर का इंटरव्यू और फेज टू की वेटेज एटी फाइव परसेंट ठीक है इस तरीके से फिर आपको आउट ऑफ हंड्रेड एक स्कोर फाइनल कट ऑफ में आउट ऑफ हंड्रेड एक स्कोर मिल जाएगा लेकिन अगर आरबीआई की बात करें

सौ 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 तीन सौ नंबर टोटल ठीक है तो तीन सौ नंबर के हिसाब से वेटेज देखो ना थ्री हंड्रेड और सेवनटी फाइव वेटेज आपकी क्या होगी यहां पे थ्री हंड्रेड फॉर फेज टू एंड सेवन फॉर इंटरव्यू यहां से रेशियो निकाल लो रेशियो तो आप लोग निकाल ही लेते हो ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री एंड ट्वेंटी फाइव इंटू या फिर डायरेक्टली ये तो फोर एक्स टू वन का रेशियो आ गया ना फोर एक्स टू वन का रेशियो आ गया मतलब ट्वेंटी परसेंट और एटी परसेंट यहां पे 85 और 15 था यहां पे 80 और 20 थोड़ा सा इंटरव्यू को वेटेज थोड़ा सा ज्यादा मिल गया है ठीक तो ये आपका बेसिक बेसिक डिफरेंस हो गया अब थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करेंगे ये यह मैंने यहां पे सिलेबस आरबीआई का लिखा है अब मैं आपको बताऊंगा सेवी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट सेबी का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उसमें आपका पर्सनालिटी परसेप्शन uh, काफी सारे टॉपिक्स आते हैं तो सेबी में लिमिटेड टॉपिक्स ही है आरबीआई में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी भी है ओके okay? जोहारी विंडो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट सेबी में इतने सारे टॉपिक्स नहीं है सेबी में लिमिटेड टॉपिक्स हैं सिलेबस में ठीक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट ये सेबी का पार्ट है एवोल्यूशन ये भी पार्ट है ठीक है मैनेजरियल रोल्स दिस इज ऑल्सो पार्ट अब नच थ्योरी आरबीआई में स्पेसिफिकली लिखा है लेकिन सेबी में नहीं लिखा है ठीक है इन केस क्वेश्चन आ भी जाए बट जनरली सेबी में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ये तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आरबीआई में है लेकिन सेबी में नहीं है ठीक है अब कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी पर्सनालिटी ये सब भी आपका सेबी का पार्ट नहीं रहेगा ये आरबीआई में रहेगा दिस इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई बट नॉट ऑफ सेबी कॉन्सेप्ट ऑफ री एनफोर्समेंट परसेप्शन ये भी नहीं है सेबी का पार्ट बट मोटिवेशन एंड लीडरशिप और इनकी थ्योरीज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज पार्ट ऑफ

कि स्टेप्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस चैनल्स डिफरेंट चैनल्स ओरल वर्सेस रिटर्न कम्युनिकेशन वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपवर्ड डाउनवर्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो वो सब पार्ट है सेबी का भी आरबीआई का भी इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो सेबी में है लेकिन आरबीआई में गिवन नहीं है जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया ओके आ, बाकी मोराल हो गया मोराल तो चलो दोनों में ही आ जाएगा एक तरीके से मोराल हो गया इंसेंटिव्स हो गया ये सारे टॉपिक्स सेबी में स्पेसिफिकली एक्सप्लिस हैं ठीक है थीके? तो आप देखोगे ऑलमोस्ट काफी चीजें सिमिलर है बट थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है उसमें डिफरेंस भी रहेगा ठीक है ये हो गई हमारी मैनेजमेंट की बात अब अगर मैं बात करूं फाइनेंस की तो फाइनेंस का ब्रॉड तीन हेडिंग्स दी हैं सेबी में भी आरबीआई में भी वो तीन हेडिंग्स क्या है पहली हेडिंग है फाइनेंशियल सिस्टम दूसरी हेडिंग है फाइनेंशियल मार्केट और तीसरी हेडिंग है जनरल टॉपिक्स तो सेबी आरबीआई का स्ट्रक्चर सेम है सिलेबस का

और अगर इसके बाद जो लास्ट गिवन है जनरल टॉपिक्स तो इसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है आरबीआई में विच आर नॉट देयर इन सेबी फॉर एग्जाम्पल देखो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन बोथ लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ आरबीआई का पार्ट है सेबी का पार्ट नहीं है ठीक है देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इज देयर लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरनेशनल बैंकिंग इट इज नॉट देयर इन सेबी राइट देन फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस दोनों में आई जाती है दिस कैन बी आस्ट इन बोथ एग्जामिनेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी दोनों में रहेगा इन्फ्लेशन इज ऑल्सो देर इन बोथ इसके अलावा फिनटेक जो है वो सेबी में स्पेसिफिकली मैं नहीं है लेकिन फिनटेक से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इकनोमिक्स है इकनॉमिक केवर तो हो जाते हैं डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट जीएसटी फाइनेंस एफ आरबीएम ये कुछ टॉपिक्स के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन पॉलिसी अब लास्ट में बात करते हैं इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस है इंडियन इकोनॉमी में कम फोकस है इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा आपका फाइनेंस में भी कवर हो ही जाता है वैसे तो ठीक है अब जैसे इन आरबीआई ये आरबीआई का सिलेबस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो कुछ टॉपिक्स हैं जो सेबी में भी आएंगे जैसे कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम दिस कैन बी आस्ट इन सेबी लेकिन पॉवर्टी एलिवेशन इंप्लॉयमेंट जनरेशन दिस इज नॉट देयर इन सेबी ठीक है उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का बहुत लिमिटेड पार्ट है इन द सिलेबस ऑफ सेबी लाइक मॉनिटरी फिजिकल पॉलिसी कैन बी आस्ट ओके उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट दिस कैन बी आस्ट इंडियन मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट दिस इज इंपॉर्टेंट राइट और आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया ओके okay, तो कुछ टॉपिक्स uh, में से क्वेश्चन आ सकते हैं इन सेबी स्पेसिफिकली और इसके अलावा इन सिलेबस ऑफ आरबीआई, इट इज मैं ग्लोबलाइजेशन तो यहां से भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सेबी का पार्ट है लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ओके फ्रॉम आस्क क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा मतलब इन डिटेल नहीं है सेबी uh, में बट मेजरली देखेन आज समथिंग अबाउट फॉरेक्स मार्केट बीओपी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ठीक है आई एम एफ वर्ल्ड बैंक से इतना डिटेल में नहीं आता बट हाँ डी आर एस डी आर थोड़ा बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी देखे क्वेश्चन इसके अलावा अगर सेबी की स्पेसिफिकली बात करो तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस ज्यादा है जो कि आरबीआई में नहीं है मैक्रो और माइक्रो पे फोकस काफी है सेबी में जो आरबीआई में नहीं है जैसे कि डिमांड सप्लाई हो गया ठीक है, बहुत सारे मैक्रो में भी आपका फॉरेक्स मार्केट बीओपी आई एस एल एम कर्व ओके तो ऑल दिस टॉपिक्स आर देयर इन सिलेबस इन्फ्लेशन फिलिप्स कर्व इन्वेस्टमेंट फंक्शन मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर ठीक है तो ये टॉपिक्स आपके

इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर सेम हो गया तो आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हो एज सच बहुत डाइवर्जेंस नहीं है ओके इट इज नॉट लाइक यू आर साइंस एंड कॉमर्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही सो आई थिंक इट इज एडवाइजेबल दैट स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर दीज टू एग्जामिनेशन टूगेदर बिकॉज काफी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिली होंगी दिस इज माई ओपिनियन बाकी अगर आप कोई चाहते हो इससे रिलेटेड कोई वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं अबाउट द स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन स्टडी फॉर बोथ टूगेदर या कुछ और आप जानना चाहते हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना ओके विद दैट आई वाइंड अप दिस सेशन ऑल द वेरी बेस्ट गाइड गुड बाई टेक केयर एंड हैव अ